बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बना रही हूँ आलू और चिकन के कटलेट्स। बहुत ही फास्ट रेसिपी है। सबसे पहले मैंने ये चिकन के छोटे छोटे क्यूब किए हैं और साथ में आलू काटे हैं, और अब मैं इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको रखूँगी बॉयल। तो देखिए, मैंने चॉपर के अंदर वो जो चिकन और आलू थे, और साथ में मैंने अदरक डाली है, हरी मिर्चें डाली हैं, और ये इस तरह का पेस्ट आपकी इस कंसिस्टेंसी वाला बन गया है। ठीक है, अगर आपको लगे आपकी कंसिस्टेंसी पतली है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इट इज़ गुड टू गो। ठीक है, और अब मैं इसको राउंड शेप दूँ या लॉन्ग शेप दूँ, वट एवर आई वॉन्ट आई विल गिव, और उसके बाद जो है वो मैं इनको इंशाल्लाह फ्राई करते हुए भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, और ये बड़ी मज़े की, बड़ी फास्ट, हेल्दी, और बच्चे बड़ा इसको पसंद करते हैं। हल्की सी मैंने हरी सब्ज़ मिर्च डाली है और अदरक डाली है, नथिंग एल्स। ठीक है, और नमक है, दैट्स इट। तो ये देखिए, मैंने अब इनको शेप अप कर लिया है उस अपने मटीरियल को उसी कंसिस्टेंसी के साथ, और ये मेरे ब्रेड क्रम्स हैं, और ये मैंने अपने दो एग्स बीट किए हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इनको पहले एग्स में भी डिप करने के बाद ब्रेड क्रम से कोट करके फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये देखिए, ये फ्राई हो रहे हैं, मैंने इनको डिप करके ऑयल में, अंडे में, और साथ में क्रम्स के साथ। ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, देखिए बिल्कुल नहीं फूट रहे, देखें माशाल्लाह अल्लाह। फाइनली कितने अच्छे से, ये देखें कुरकुरे से फ्राई होके कितने मज़े के लग रहे हैं, और चाय के साथ आप मेहमानों को बड़ी जल्दी से पेश कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।